You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. सुबह का टाइम है और मेरा सुबह उठने का टाइम होता है 5 से 5:30 बजे के बीच में. मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है. करीबन 30 मिनट्स to 40 मिनट्स का वर्कआउट सेशन होता है जिसमें मैं सिंपल स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एंड कार्डियो वर्कआउट करती हूँ. और बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के जब आप अपनी बॉडी के लिए थोड़ा वर्कआउट करते हैं. पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे. आज की वीडियो में कुछ हेल्दी मील आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपको वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस में बहुत हेल्प मिलेगी. मेरी बॉडी को तो बहुत इफेक्ट पड़ा है. हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी. मैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या खाती हूँ हेल्दी, क्या क्या वर्कआउट रूटीन है मेरा. देखिए, किसी भी हैबिट को अपने अंदर इनकल्केट करने के लिए ना इट टेक्स 21 डेज. तो धीरे धीरे करके ना आप अपने रूटीन को कुछ इस तरीके से बनाइए कि पूरे 24 आवर्स के दिन में आधा घंटा आप अपने लिए निकाल पाएं जिसमें आप अपना थोड़ा सा वर्कआउट करें. जब आप स्टार्ट करते हैं वर्कआउट तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करिए. ज्यादा नहीं हो पाती आपसे एक्सरसाइज तो 15-20 मिनट्स ही बस अपनी बॉडी को दीजिए. उससे ना आपको पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है. जब आप वर्कआउट करते हैं ना तब तो बहुत थकान लगती है, बट उसके बाद आप थोड़ी देर बाद रेस्ट करके जब आप उठते हैं ना तो आप देखेंगे दिन के सारे काम आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं. और कहते हैं एक्सरसाइज करने से ना हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं. आप खुशी खुशी सारे काम और खुश खुश पूरा दिन फील करेंगे. तो मेरे दिन की शुरुआत होती है पानी और बादाम के साथ. रात को बादाम सोख करके रखती हूँ, 4 बादाम लेती हूँ और ल्यूकवार्म पानी. एक बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि खाने में तो टेस्टी है ही है, साथ में हेल्दी भी बहुत है. तो मैंने कल रात में 1.5 कप के करीब मूंग दाल और 1/2 कप दलिया पानी में सोक करके रख दिया था. नेक्स्ट मॉर्निंग इसे अच्छे से एक छलनी में डाल के आप वॉश कर लीजिए. उसके बाद ब्लेंडर में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए. इसका हम बैटर बनाएंगे. बहुत ही हेल्दी इसके चीले बनते हैं. जब आप बैटर बना रहे हैं तो साथ में इसमें 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर लीजिए और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका स्मूथ सा बैटर हमें बना लेना है. बैटर बनाने के बाद इसकी टेम्परिंग रेडी करेंगे हम. तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन में थोड़ा घी डाला है, थोड़ा सरसों सीड्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद इसमें करी लीव्स ऐड किए हैं. करी लीव्स आप जितना अपने खाने में ऐड कर सकते हो उसे ज़रूर इंक्लूड करो. इससे आपके बालों पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और यहाँ पे मैंने जो भी वेजीज मुझे डालनी थी इस बैटर में वो डाल दिए हैं चॉप करके. बस इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे. उसके बाद ये सारी वेजीज का मिक्सचर हम अपने बैटर में ही मिक्स कर लेंगे. अच्छा, इसमें सब्जियाँ हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाई हैं, अदरवाइज इनका सारा क्रंच निकल जाएगा. इसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और मसाले में बस मैंने इसमें नमक ऐड किया था. थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके चीले बनाना हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, ये अगर बैटर आप थोड़ी देर फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं लाइक 6-7 आवर्स के लिए तो बहुत अच्छे क्रिस्पी डोसा भी बन जाएंगे इसके. और यहाँ पे मैंने लिया है अपना कास्ट आयरन का तवा. आप जानते हो अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हो तो मुझे कास्ट आयरन का तवा यूज़ करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है. मतलब अगर आप इसे अच्छे से ग्रीस करके यूज़ करते हैं ना तो ये एकदम नॉनस्टिक की तरह काम करता है. पतला पतला आप चीला अच्छे से इसे फैला दीजिए. घी में आप इसे सेकिए या ऑलिव ऑयल में सेकिए. बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अमेजिंग बन के ये रेडी होते हैं. मतलब आप ही नहीं पूरी फैमिली ये इंजॉय कर सकती है. मतलब मेरे घर में इस टाइप की कुकिंग होती है जो खाली मेरे लिए ना हो, सब लोग उसको खाएं और हेल्दी भी रहे, सभी लोगों को पसंद भी आए. तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया पतले पतले चीले मैंने बना के ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर लिए हैं. साथ में है चाय. और ये देखिए ये 2 चीले मतलब अगर आप खा लो ना तो एक कंप्लीट मील हो जाती है ब्रेकफास्ट की हेल्दी वाली. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. कोशिश करिए जब भी आप अपने वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस में रहते हैं तो छोटे छोटे मील्स लीजिए. नंबर ऑफ मील्स आप बढ़ा दीजिए बट मील्स की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिए. जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके 2 से 3 घंटे बाद आप एक कुछ छोटा सा स्नैक में फ्रूट ले लीजिए जो भी फ्रेशली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. और कोशिश करिए कि दिन भर ना कुछ एक्टिविटी में एंगेज रहें, आप एक्टिव रहें, मूवमेंट करते रहिए अपने बॉडी का, जिससे कि आपको कभी भी हैवीनेस या ब्लोटेड फील नहीं होगा.
और आज लंच में मैं बनाऊंगी बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो कि है मूली के पराठे। अंशुल को मूली के पराठे खाने का बहुत मन था और फ्रिज में रखी भी थी मूली, तो मैंने सोचा मूली के पराठे ही बनाए जाए। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं अपने घर में एक ही टाइप की कुकिंग करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं वेट मेंटेनेंस या वेट लॉस पे हूँ तो मैं अपने लिए कुछ अलग खाना बना रही हूँ। सेम ही कुकिंग होती है, बट उसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करके ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूली के थोड़े बड़े बड़े से लच्छे बना लिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक लगा के मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी, जिससे कि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाएगा। और इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे खूब सारी सैलड कट कर लूँगी। तो ये जो क्यूकम्बर्स होते हैं, इसकी मैं बहुत ही बारीक बारीक चॉपिंग कर लेती हूँ। इसकी बहुत अच्छी सी कचूमर सैलड बन जाती है। साथ में आप इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल लीजिए, ऑलिव्स डाल लीजिए, बनाना पेपर्स आपको पसंद है तो वो ऐड कर लीजिए। मतलब बहुत अच्छी सी सैलड बन के रेडी हो जाती है इससे। और यहाँ पे मूली ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है, तो इसको मैं सारा अच्छे से स्क्वीज आउट कर दूंगी। और जो ये पानी इसका निकल रहा है ना, इसी से मैं आटा गूंदूंगी। जब भी आप मूली के पराठे बनाएं ना, तो इस प्रोसीजर से जब आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। तो यहाँ पे जो मूली मैंने निकाल ली है, इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। कोरिएंडर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पत्ता, मतलब जो भी आपको फ्लेवरिंग के लिए सारे मसाले चाहिए वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। और नमक आप एकदम लास्ट में ऐड करिएगा, क्योंकि मूली में वापस से पानी आ जाता है जैसे ही आप पानी नमक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब बस छोटे छोटे इसके पराठे मैं सिंगल लेयर वाले बनाती हूँ। डबल लेयर वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, सिंगल लेयर वाले भी, बट मैं प्रेफर करती हूँ सिंगल लेयर वाले, क्योंकि इसमें ना सारी फिलिंग अच्छे से चारों तरफ फैल जाती है। और बस यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी, बट साथ में ना हम खूब सारा रायता लेंगे और सैलेड लेंगे, जिसकी वजह से ये एक होलसम मील बन जाएगी। तो जी, ये है मेरी लंच प्लेट, जिसमें बहुत सारा दही है, बहुत सारा सैलेड है, इसमें कुकम्बर, टमेटो और मैंने थोड़े ऑलिव्स कट किए हैं, और एक मैंने पराठा लिया है। मतलब आटे की क्वांटिटी आप अपने डाइट में ना थोड़ा कम कर दो, सैलेड दही वगैरह ज्यादा कर दो। अगर आपका गट अच्छा रहता है ना, तो आपके स्किन पे दिखाई देता है, बालों में दिखाई देता है। मतलब आपका एकदम गट हैप्पी तो आपकी बॉडी हैप्पी। तो ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाओ और बहुत सारा पानी पियो। समर्स का टाइम है ना, तो कोशिश करो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी सिप करते रहो, बॉटल के थ्रू या पानी का ग्लास अपने पास रखो। आज गोविंद की आर्ट क्लास भी थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्लिम्स। जब भी मैं उसके आर्ट क्लासेस के बारे में कुछ भी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रिया आपने कहाँ पे एनरोल करा रखा है गोविंद को। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये आर्ट क्लासेस मेरी फ्रेंड प्रिया चलाती हैं, ऑनलाइन आर्ट क्लासेस हैं, एंड शी इज़ एन अमेजिंग टीचर आई वुड से। गोविंद लास्ट 2 ईयर्स से इनके साथ आर्ट सेशंस लेता है, एंड वो ना बच्चों को एकदम वन ऑन वन इंटरेक्ट करके आर्ट करना सिखाती हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट वे टू लर्न समथिंग एक्चुअली। और मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर लगती हैं, कि अपने कम्फर्ट जोन में बच्चा घर से ही सारी जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सीख सकते हैं। ये 1 आवर की आर्ट लेसन क्लास होती है इन अ वीक, एंड अभी आप देख ही रहे हो टीचर कैसे इंडिविजुअली बच्चों को इंटरैक्ट करके आर्ट करना सिखा रही हैं। इसके सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, इफ़ इन केस यू वांट टू चेक आउट। और आज का आर्ट लेसन मैं आपको दिखाऊंगी, फाइनली ये आर्ट गोविंद ने बनाई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। जस्ट लुक एट द कलर ग्रेडियंट, मतलब एक 6.5 साल का बच्चा इतने ब्यूटिफुली आर्ट कर सकता है। मतलब बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं यार आर्ट क्लासेस के थ्रू। आई रियली लव How he is learning. So you can also check out अगर आपके बच्चे गोविंद के एज ग्रुप के हैं तो। और अब बात करते हैं डिनर की। तो डिनर मैं कोशिश करती हूँ कि 6:30 से 7 बजे के बीच में अपना डिनर ले लूँ, और डिनर में एकदम लाइट सा फूड मैं रखती हूँ। और डिनर के बाद मैं थोड़ा वॉक करने जाती हूँ बच्चों के साथ पार्क में। अराउंड 40 मिनट्स to 1 आवर वॉक हो जाती है। डिनर ना मैं बहुत लाइट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी ऐसा गो टू फूड होता है, केशु भी खा लेता है और फिर मुझे भी पसंद है। कभी दलिया बना लिया, कभी बहुत भूख नहीं है तो सैलेड बोल बना लिया, अच्छे से सारी वेजिटेबल्स को पनीर के साथ सौते करके वो खा लिया। और एक और चीज, मतलब 7 बजे से पहले पहले आप अपना डिनर कर लो। थोड़ा सा ना, जैसे अगर आप 9:30-10 बजे तक भी सोते हो तो फूड को भी डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा, और आपको ना मतलब एकदम बेड पे जाते ऐसे नहीं लगेगा कि यार सब कुछ भारी भारी सा लग रहा है। और जितना फूड आप डिनर के टाइम पे लाइट रखोगे ना, उतना आपको अपने वेट लॉस में, अपनी बॉडी में फर्क दिखाई देगा। तो ये तो एक की पॉइंट है कि आप डिनर जल्दी करो और लाइट करो। तो ये है देखिए मेरा डिनर, थोड़ी सी खिचड़ी, मैंने आलू गोभी का अचार, गाजर गोभी का अचार लिया है।
सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो किसी तरीके से हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे बहुत ही जल्दी एक अपडेट के साथ मिलूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था दैट आई हैव अ वेरी गुड एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू ऑल, जिसकी वजह से थोड़े ब्लॉग्स अप डाउन भी हो गए, मैं थोड़ा इरेगुलर भी हो गई थी यूट्यूब पर, बट आई विल ट्राई टू कीप अप द पेस और अब रेगुलरली मैं ट्राई करूँगी, वीडियोज़ आती रहेंगी। बट Yes, an exciting news is awaiting. So I will tell you about that in probably my next vlog. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था, फिर से मुलाकात करते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। बाय।